दोस्तों 2024 तक जितना बोलबाला डीजल इंजनों का, डीजल कारों का रहा रहा, लेकिन अब 2025 में डीजल कारों में जो है सरकार एक तरीके से फुल स्टॉप लगाना चाह रही है। या तो कुछ टैक्सेस बढ़ा देगी, या तो आपको कह सकते हैं ज़्यादा आपको जो है प्राइस देनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है अब आपके पास ऑप्शन जो है क्या बचता है, आपके पास सीएनजी कारों का ऑप्शन बचता है। लेकिन सीएनजी कारों में आपको क्या है, माइलेज तो अच्छी देखने को मिल जाती है, लेकिन आपको जो पावर टॉर्क है वो डीजल वाला नहीं मिलता। फिर बात आती है इलेक्ट्रिक की, तो वहाँ आपका उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है जो कि हर जगह आपको चार्जिंग स्टेशन मिल जाएं। और डीजल कारें भी अब आप जानती हैं, अगर आप अब भी लेते हैं तो आपको 2, 4, 5 साल के बाद कई बार ऐसा देखने को मिल जाएगी। इस शहर में आप जो है यहाँ पे BS6 डीजल कार नहीं ला सकते। तो ये भी थोड़ा सा एक तरीके से आप इतने रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप ये कार लेके सिर्फ लिमिटेड शहरों में ही जो है जा सकते हैं। तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन बचता है फिर यहाँ पे हाइब्रिड कारों का। तो ये रहती है जो है मारुति की इनविक्टो, सेम वही टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस। तो मारुति के पास जो गाड़ियाँ थी वो कुछ जो है टोयोटा के पास गई, लेकिन टोयोटा से जो मारुति के पास जो एक ही गाड़ी आई है ना, वाकई में काफ़ी बढ़िया गाड़ी आई है, इनविक्टो है ये। अब आप कहेंगे यार हम ये क्यों लें, टोयोटा जैसी जब आई है तो टोयोटा की इनोवा हाईक्रॉस क्यों नहीं लें। तो अगर आप इस ये सामने जो है अल्फा प्लस वेरिएंट है, इसको ही अगर आप जो है कंपेयर करते हैं ना, सेम जो वहाँ आता है ZX वेरिएंट, उससे अगर आप जो है कंपेयर करें, लगभग 1,78,000 रुपये ये एक्स शोरूम पर जो है आपको सस्ता देखने को मिल सकता है। और चलो वहाँ पे सस्ता है, कुछ फीचर वहाँ ज़्यादा हैं। क्या फीचर ज़्यादा हैं, एक तो फ्रंट में LED फॉग लैम्प वहाँ आपको उस वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो है बता दे रहा हूँ मैं एक बार आपको, उसमें जो है आपको स्पीकर का सेटअप सब बूफर के साथ में JBL का जो है देखने को मिल जाता है, तो थोड़ा साउंड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जो यहाँ पे ये वाली बीच की रो है ना, आपको ऑटोमैन मतलब थोड़ा लग्जरी वाला फीचर आपका जो है पूरा रहता है, तो सीट आपको पूरा आपको इस तरीके से अच्छी खासी जो है देखने को मिल जाती है। यहाँ से पूरा सपोर्ट नीचे को जो है यहाँ पे निकलता है, तो थोड़ा लग्जरी वो चीज़ उसमें आ जाती है। तो 1,78,000 रुपये मैं सोचूं, तो इन चीज़ों के लिए अगर आप चाह रहे हैं देना तो वहाँ जा सकते हैं, लेकिन उससे कोई आपको मतलब नहीं। मेन ये जो साइज है, साथ ही साथ जो है इसमें जो माइलेज है उससे मतलब है, तो आप जो है इसकी ओर आ सकते हैं। और एक और चीज़, वहाँ थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, वेट कितना, लगभग 45 किलो जो है वहाँ पे इनोवा हाईक्रॉस वो जो है थोड़ा सा भारी रहेगी, क्योंकि इसका जो वेट है वो आपको जो है थोड़ा सा जो है कम देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो वही चीज़ है, आपका जो है वेट आपका यहाँ थोड़ा सा कम रहेगा, और पावर टू वेट रेशियो भी आपको यहाँ पर अच्छा खासा, और टॉर्क रेशियो अच्छा देखने को मिल जाएगा। 1730 जो है KG का वहाँ वेट रहता है। तो इस तरीके से कुछ ये चीज़ें हैं जो कि मैंने वहाँ से कंपेयर करके आपको यहाँ बताई। और वहीं अगर आप जो है इसे जेटा प्लस से कंपेयर करते हैं, तो 71 से 76 हज़ार रुपये एक शोरूम पे जो है ये थोड़ा महंगा रहेगा। तो मैं तो कहता हूँ अगर आप देखो इसकी ओर आ रहे हैं तो टॉप मॉडल ही लो, क्योंकि वहाँ अगर आप जाते हैं जेटा प्लस इसके नीचे वाले मॉडल में, तो वहाँ सनरूफ नहीं मिलेगी, लेदर सीटें नहीं मिलेंगी, फ्रंट पार्किंग रियर पार्किंग सेंसर ही नहीं मिल जाते हैं आपको, बहुत सारे फीचर हैं जो कि कम मिल रहे हैं। तो उसके लिए आप जो है थोड़े से पैसे देके ये टॉप वेरिएंट सारे फीचर के साथ में जो है आप ले सकते हैं। अब रही बात जो है पूरे डायमेंशन की, अभी इंजन की मैं बात करूँगा, डायमेंशन की बात करी तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वही इनोवा हाईक्रॉस सेम डायमेंशन रहती है, सेम ग्राउंड क्लियरेंस, सेम व्हील बेस, सेम विड्थ, सेम हाइट, ये सारा कुछ सेम रहता है। लेकिन फ्रंट लुक वो दोनों ही जो है यहाँ पे कारों का अलग अलग देखने को मिलेगा। अगर इनविक्टो की बात करें तो थोड़ा फैमिलियर साइब टाइप आपको जो है नेक्सा में जो गाड़ियाँ रहती हैं वैसा कुछ बनाने की कोशिश करेगी, जो कि आपको यहाँ पे डुअल डुअल क्रोम की आपको लाइनिंग स्ट्रिप देखने को मिलेगी, थोड़ा सा ये एक्सटेंड यहाँ तक जाती है, यहाँ पर नीचे तक क्रोम आ जाता है। और ये ग्रैंड विटारा की तरह आप देखेंगे ब्लैक ग्लॉस ग्रिल, बीच में आपको जो है कैमरा 360 डिग्री इसमें पूरा प्रॉपर कैमरा आता है। साथ ही साथ वहाँ एडास के फीचर आते हैं, लेकिन यहाँ एडास के फीचर जो यहाँ पे नहीं रहने वाले हैं। इसके साथ साथ आप जो है देखेंगे तो यहाँ पे LED लाइटिंग सेटअप प्रॉपर दे दिया जाता है, और नीचे यहाँ पे DRS मिलती है, फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, पूरी लाइट जलाते हुए कुछ आपको जो है ऐसी देखने को यहाँ पर मिल जाती है। जैसी जैसी आप जो है साइड प्रोफाइल की ओर आएंगे तो साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी आपको जो है देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी जो है अच्छी खासी यहाँ पर लंबी रहती है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर अगर बात करें टायरों की, टायर आपके जो है इसमें छोटे आपको जो है देखने को मिलते हैं, एक टायरों का भी जो है यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, जो कि ऑन फिगर में अगर मैं बात करूं तो वहां 1 इंच आपको जो है बड़े टायर आपको देखने को यहां पर मिलेंगे। तो ये चीज़ रहती है 255 50 R18 का मिलता है, यहां आपको जो है
टायर प्रोफाइल 215, 60, 8, 17 की मिलती है। बाकी फ्रंट में डिस्क यहाँ भी है और रियर में भी जो है डिस्क यहाँ आपको जो है मिल जाती है प्रॉपर तरीके से। डायमेंशन पूरी ओवरऑल रहती है इसकी जो है 4755 4755 mm की, और साथ ही साथ जो व्हील बेस है वो इसमें जो है देखने को आपको मिल जाता है 2850 mm का, और हाइट आपको 1790 mm की मिलती है। जो व्हील बेस 2850 mm का है वो आपको जो है काफ़ी बड़ा सा जो है यहाँ पे इंटीरियर में स्पेस दे जाता है। सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट का जो है आपको को ड्राइवर वाला डोर देखेंगे कुछ इतना जो है ओपन होता है। जैसे ही अगर आप पीछे वाला डोर देखते हैं तो ये भी आपका जो है काफ़ी वाइडली जो है आपका इस तरीके से ओपन होता हुआ आपको जो है देखने को मिल जाता है। तो प्रॉपर आपको जो है सीटिंग कम्फर्ट इसमें अच्छा खासा मिलेगा, और 7 और 8 सीटिंग कन्फिग्रेशन में ही आती है। तो इसका ऑप्शन आपको जो है नीचे, अगर आप 8 सीटर में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है इसका जेटा प्लस लेना पड़ता है। एक बार कंफर्ट में अपने अकॉर्डिंग 5'7" हाइट है उस अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ अगर मैं बैठता हूँ तो ये बहुत सारी जगह है, इसके लिए मैं जो है इसे आगे भी कर लूँ तो कोई जो है यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर नहीं रहने वाली है। इतने जो है पैर मैं आगे तक करके जो है आराम से कम्फर्टेबली जितना लंबा हो सके उतना जो है जाने के लिए बैठ सकता हूँ। अब यहाँ पे हेडरूम अगर आप चेकआउट करेंगे तो हेडरूम अगर आप चेक करें तो कुछ इतना जो है हेड लगभग एक हाथ से अच्छा खासा यहाँ पे बच जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ आराम से 6 फुट का भी जो है कोई बैठना चाहेगा वो आराम से इसमें बैठ सकता है। इसके बाद ज़रा इसी के जो है पीछे वाली जो है रो में जाएंगे, दोनों ही रो को अब जो है चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए स्पेस बहुत अच्छा खासा बच रहा है, जबकि ये बहुत आगे है सीट, यहाँ से आप आराम से जो है पीछे जा सकते हैं। लेकिन एक बार मैं इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करूँगा तो यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाते हैं और यहाँ बैठेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैं बैठा हुआ हूँ, पीछे की जो है यहाँ पे पोजीशनिंग अच्छी तरीके से मैं सेट करता हूँ जिससे कि मैं जितना लंबा चल सकूँ इतना जो है यहाँ पे बैठ सकूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो कुछ इतना जो है मेरे को हेडरूम यहाँ पे मिल रहा है, लगभग एक हाथ का मानूंगा मैं, चलो 4 उंगलियों का भी मान लो इतना जो है स्पेस है। और यहाँ पे नी स्पेस तो बहुत ही अच्छा खासा है। इसको थोड़ा अगर पीछे वालों को थोड़ा और स्पेस चाहिए तो मैं इसको जो है आगे इतना जो है करना चाहूँगा, तो बहुत सही है स्पेस। बस ये थोड़ा सा ये बैटरी का कंपार्टमेंट है मेरे ख्याल से, तो पैर अगर आप अंदर डालना चाहें ना यहाँ नहीं आ पाते हैं, इतना कुछ रहता है। सही है यहाँ पे नी स्पेस, और बाकी यहाँ इतना कुछ जो है स्पेस बच रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें बहुत ही अच्छा खासा स्पेस है मेरे ख्याल से। यहाँ अगर आप जो है इसको पूरा ही पीछे कर दें तो यहाँ एक गद्दा डाल के बंदा जो है यहाँ पे सो सकता है, इतना स्पेस है। तो इसको अगर आप जो है थोड़ा सा आगे कर दें तो यहाँ कुछ इतना स्पेस बच रहा है। अब यहीं से जो है आप पीछे चलेंगे, पीछे जैसे अगर आप आते हैं तो थोड़ा सा जो है रिक्लाइनिंग पोजिशन ये जो है आपको सीधी करनी पड़ेगी, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो स्पेस बहुत ही अच्छा खासा है, हल्की सी और जो है आपको आगे इसको जो है करना पड़ेगा अगर आपको जो है पीछे जाना है तो। कुछ इतना जो है अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आराम से जो है पीछे जा सकते हैं। अब पीछे आपको सीट ऐसे जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है, एकदम पीछे आपको पूरा कंफर्ट मिले। तो यहाँ जैसे अगर आप पीछे बैठते हैं तो कुछ बहुत अच्छा खासा एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और ऐसे आराम से जो है आप इसमें जो है लेट के जा सकते हैं। तो स्पेस के मामले में तो यार बहुत सही लगी सीटें, मतलब पीछे थर्ड रो वाकई में बहुत अच्छा स्पेस दे जा रही है। एक और चीज़, अगर सीटें या इंटीरियर नीचे का इंटीरियर लाइट कलर का होता ना और मज़े आ जाते, क्योंकि थोड़ा घुटन घुसन घुटन सा जो है ये ऐसा जो है इंटीरियर डार्क मेरे को लगता है कि थोड़ा सा फील कराता है। तो यहाँ से भी इस तरफ भी अगर मैं बैठूँ ना जहाँ ये थोड़ा सा सीट पीछे को है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा खासा जो है आपका स्पेस मिल जा रहा है। तो वाकई में जो पीछे दो लोग, अगर बड़े भी लोग हैं लगभग 5'9" 5'10" 12" अगर हाइट है तो वो भी जो है 4, 5, 6, 700 किलोमीटर आराम से जो है यहाँ पे बैठ के जाना पसंद करेंगे। तो पीछे की जो है सीटें नो डाउट बहुत ही अच्छा खासा स्पेस दे दे रही हैं। यहीं से फीचर जान लेते हैं, देखो 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ पे दे दिया गया, यहाँ पे कुछ रख सकते हैं आप, और साथ ही साथ यहाँ पर नहीं दे रखा है, यहाँ पे सिंपल सा आपको मिलेगा। और पीछे की भी सीटें ऐसे रिक्लाइनिंग पोजिशन आप जो है एडजस्ट कर पाएंगे, जितना जो है आप नीचे करना चाहें वो जो है अपने अकॉर्डिंग जो है आप कर लेंगे। बाकी यहाँ पे सीट बेल्ट्स प्रॉपर आपको लैंप दे दी जाती हैं, बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पे मिलेगी जो कि टॉप वेरिएंट लेते हैं तो यही आपको मिलेगी, और रूफ माउंटेड आपको जो है एसी वेंट। अब देखो इसका फ्लो, अगर थर्ड रो में कोई नहीं बैठा है तो
आप बीच वाले रो को देना चाहते हैं तो आराम से यहाँ पे दे सकते हैं। और इस तरीके से आप जो देख रहे हैं यहाँ पर भी सेकंड वालों के लिए यहाँ पे रहेगा, बीच वालों के लिए आगे यहाँ पर प्रॉपर मिल जाता है। और ये रियर में रहता है बीच में, यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट प्रॉपर, और ये ऑटो रहेगा रियर का एसी भी। तो डुअल जोन आपका जो है एसी यहाँ पर प्रॉपर जो है दे दिया जा रहा है। इसके बाद जो है यहाँ से अगर आप देखें तो बीच में कप होल्डर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, कुछ स्नैक्स नैक्स जो भी आप खाएंगे यहाँ पे। और यहाँ आपको जो है टाइप सी दो पोर्ट आपको जो है चार्जिंग के लिए यहाँ पर दे दिए जाते हैं। तो स्पेस के मामले में तो आपको बिल्कुल भी जो है यहाँ पे निराशा इसमें जो है यहाँ पे नहीं होने वाली है, जो कि मेरे को बहुत सही लगा यहाँ पर। अब इसे जो है बंद करते हैं फटाफट से। एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, आपको जो है यहाँ पे ब्लाइंड्स यहाँ पर भी दे रखे हैं प्रॉपर। और वहीं अब जैसी जैसी आप पीछे की ओर आते हैं तो ये रहता है इसका जो है पेट्रोल टैंक, लगभग 52 लीटर 52 लीटर की पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी मिल जाएगी। ऊपर आपको जो है शार्क फिन एंटीना, पीछे स्पॉइलर, डिफॉगर वाइपर। डिफॉगर तो आपको अगर आप जो है जेटा प्लस भी लेंगे ना, वहाँ आपको जो है देखने को नहीं मिलता, तभी मैं कह रहा हूँ टॉप वेरियंट जो है लेने लायक यहाँ पर एक अच्छी जो है यहाँ पर डिसीजन रहेगा। और बाकी यहाँ टेल लैम्प का डिज़ाइन ये भी बड़ा ही एकदम स्लीक सा और काफ़ी प्यारा सा लग रहा है यार। पहली बार में जरा एकदम गौर से देख रहा हूँ यहाँ पे टेल लैम्प, यहाँ पे इन्विक्टो की अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है डिज़ाइन करी गई है, एलईडी में रहेंगी। बाकी नीचे इंडिकेटर और पीछे लैम्प ये मेरे ख्याल से जो है हेलोजन में रहने वाली है। इन्विक्टो यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉपर मिल जाता है। बाकी सुजुकी का यहाँ पे लोगो, हाइब्रिड का यहाँ पे लोगो प्रॉपर आपको दे दिया जाएगा। बाकी कैमरा तो रहेगा ही क्योंकि 360 डिग्री कैमरा आ ही रहा है। रिवर्स पार्किंग सेंसर भी आपको पूरा पीछे गाइड करने के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसी जैसी आप यहाँ देखते हैं, देखो आपको इलेक्ट्रिक पावर टेलगेट यहाँ पे दे दिया जाता है, बस आपको जो है ये प्रेस करना है। लेकिन यार ये आवाज़ जो करता है ना, जैसे कि कंपनियों में देखा होगा ना मशीनें करती हैं, वैसी कर रहा है यार ये। मतलब आवाज़ जो है अगर थोड़ी सी कम होती तो सही लगता। बाकी बूट स्पेस लगभग 239 लीटर के मेरे ख्याल से आसपास इसमें आता है। बाकी यहाँ पे आपको रिक्लाइनिंग पोजीशन थोड़ा सा, अगर मतलब कोई बैठा नहीं हो तो इसे फोल्ड भी कर सकते हैं 60-40 स्प्लिट, जब भी आप जो है यहाँ पे करना चाहें। और बीच वाले के लिए भी जो है आपको हेडरेस्ट यहाँ दे रखे हैं, जो कि आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से जो है यहाँ पर लगभग मान के चलूँ 60 लोगों के बैठने की कैपेसिटी आ जाएगी। और 8 सीटर लेंगे तो वो बेंच टाइप की सीट आपको देखने को मिलती है। बाकी अगर पीछे 2 लोग भी बैठे ना तो मतलब बहुत लॉन्ग जर्नी आराम से जो है कटेगी। अगर हट्टे कट्टे बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त वाले बैठ गए तब तो मैं नहीं कहूँगा, 3 के 3 बहुत ही ज़्यादा कम्फर्ट महसूस करें पीछे वाली सीट में। इसके बाद यहाँ कुछ ऐसा पूरा जो है सेटअप रहेगा। बाकी आपको जो है यहाँ पर लैंप इस तरीके से देखने को यहाँ पर मिल जाती है। तो ये रहता है यहाँ पर बूट, यहाँ पे कुछ सामान वामान रखेंगे। बाकी स्पेयर व्हील मेरे ख्याल से यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कोई डोनट वोनट वाला आपको XUV700 की तरह दे दिया जा रहा है, यहाँ भी वही सेम साइज़ जो यहाँ पे दे रखा है वही आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ से आप जैसी प्रेस करेंगे तो यहाँ से जो है आपकी बंद हो जाती है, इस तरीके से बंद हो जाती है। बस यार एक साउंड ही मेरे को ये पसंद नहीं आई, जो कि इतनी जो है आपकी साउंड सुनने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर क्रोम का टचअप भी काफ़ी जो है आपको अच्छा लगेगा। बाकी ओवरऑल लेंथ जैसा कि मैंने बताया काफ़ी सही लगती है। अब ज़रा फीचर की बात करते हैं, सबसे पहले इंजन सेक्शन की ओर चलते हैं। इंजन सेक्शन की ओर चलेंगे हम, इसके जो है फ्रंट से ओपन करेंगे इसका जो है हुड। तो ये रहता है इसका जो है पूरा इंजन वे, बोनट भारी तो है यार कुछ भी कहो। और ऊपर पूरा आपको जो है कवरिंग देखने को मिलेगी 2 लीटर का, मतलब 1987 cc का 4 सिलेंडर वाला ये हाइब्रिड पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वाला हाइब्रिड वाला इंजन है। पावर जो रहेगी ना इसकी वो रहती है 152 PS की 188 Nm के जो है टॉर्क के साथ में। और हाइब्रिड की पूरी कंबाइंड पावर जो आपको 186 PS की आपको जो है इसमें मिल जाती है। तो कुछ ऐसा रहता है इसका जो है पूरा पावर का। बाकी इंजन जो वे है ना पूरा काफ़ी बड़ा लगता है यार, इंजन ऐसा लगता है कि बहुत नीचे को जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि कुछ ऐसा है। बाकी वही टोयोटा वाला जो है इंजन है तो मतलब टोयोटा की जो है चीज़ आपको मारुति की ओर से मिल रही है। और मारुति की सर्विस और सर्विस नेटवर्क अगर जो है आपको मिल जाए तो मतलब क्या ही बात जो है कहें, क्योंकि नेटवर्क जो है मारुति का बहुत ही अच्छा खासा जो है यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर जो है वारंटी की अगर बात करी जाए ना तो देखो जो बैटरी दे रखी है यहाँ पर 168 सेल वाली निकल मेटल हाइब्रिड आपका जो है बैटरी, उसकी जो है लगभग 8 साल 1,60,000 किलोमीटर की जो है वारंटी रहती है। बाकी गाड़ी की जो स्टैंडर्ड वारंटी आती है मारुति की गाड़ियों में इंक्रीज़ हो चुकी है
3 साल 1 लाख किलोमीटर तक की वहाँ तक यहाँ पे रहती है। अब जरा इंटीरियर के फीचर जरा फ्रंट में जो थे वो जरा एक बार जो है यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डोर देखिए, यहाँ पे सॉफ्ट टच आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा और साथ ही साथ जो है ये मेमोरी का फंक्शन मिल जाता है जो कि फर्स्ट सेकंड जिस हिसाब से जो है आप जो है चलाते हैं अगर गाड़ी तो फर्स्ट पे सेट करेंगे आपके अकॉर्डिंग पूरी जो है यहाँ पे सीट सेट हो जाती है। बाकी जो है आपको यहाँ पर थोड़ा सा गोल्डन फिनिश देखने को मिलेगी, मतलब थोड़ा कॉपर इस टाइप की जो कि अच्छी लगती है। और ORVM फोर्ड एडजस्ट करने का सारा सिस्टम है, पावर विंडो चारों मिलेंगी, 4 स्पीकर 2 ट्विटर का सेटअप आपको प्रॉपर मिल जाता है। बाकी यहाँ पर पीछे बूट खोलने का, बाकी यहाँ पे हेडलाइट लेवलिंग का ये सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी सेफ्टी के फीचर्स जो टोयोटा की जो है इनोवा हाईक्रॉस में रहते हैं सेम वही आपको जो है इसमें देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि सामने लिखे हुए हैं। और जो है इस तरीके से एडजस्टमेंट वाली जो है पावर एडजस्टमेंट वाली जो है आपको जो है सीट आपको जो है कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी इस तरीके से यहाँ पर रहेगी। आगे फुल पीछे थी है, अब आप जो है आगे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी पूरी लेदरेड सीटें यहाँ पे मिल जा रही हैं जो कि आपको जेटा प्लस लेंगे वहाँ नहीं देखने को मिलती हैं। तो ये रहती है कुछ इसकी जो है चाबी, सेम मेरे ख्याल से जो है मारुति जो है टोयोटा में भी ऐसी आती होगी। तो यहाँ पे बूट ओपन का लॉक अनलॉक का जो है ऑप्शन आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब जैसे आप यहाँ बैठते हैं तो यार यहाँ बैठ के कमांडिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी आती है, थोड़ा सा ऊपर बैठे हुए लगते हैं आप। और यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प है और पैडल शिफ्टर यहाँ दे रखे हैं, मेरे ख्याल से वाइपर ऑटोमेटिक नहीं है। स्टीयरिंग पूरा लेदर रैप दे रखा है, यहाँ पे इस तरफ कंट्रोल है आपको, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल ये वगैरह आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। एडजस्टमेंट जो है स्टीयरिंग की दोनों मिल जाती है, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही आपको जो है यहाँ पर दे रखी हैं। साथ ही साथ जो है डैशबोर्ड का पूरा व्यू जो है देख रहे हैं कुछ आपका जो है ऐसा जो है देखने को यहाँ पर मिल जा रहा है। और ये 10 इंच की स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर को निकली हुई आपको काफ़ी अच्छी खासी लगती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं निकली जो कि विंड स्क्रीन के ऊपर तक आए। और यहाँ पर एक बार मीटर कंसोल आपको जो है यहाँ पे दिखाया जाए तो यहाँ पर इंजन पावर का जो है आपको जो है स्विच यहाँ आपको जो है देखने को मिल जाता है। एक बार प्रेस करते हैं तो आपको जो है कुछ ऐसा पूरा मीटर कंसोल आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि आपका जो है यहाँ पे आपका ये सारा जो है आपको ईवी मोड आपका जैसे कि ईवी पे चल रही होगी गाड़ी तो यहाँ पर आपका जो है ईवी लिखा हुआ आ जाएगा। साथ ही साथ आपके जो है फ्यूल लेवल टेम्परेचर का यहाँ जितनी लाइटें आती है सराउंडिंग में, स्पीडोमीटर आपका ये पूरा डिजिटल यहाँ पे 200 की स्पीड के साथ यहाँ देखने को मिल जाएगा। बाकी ये ईवी के मोड है वो जो है आपको यहाँ पर सारा कुछ दिखाएगा, ईको मोड पावर और इस तरीके से। बाकी एक चीज़ सिटी में अगर आप चलाते हैं गाड़ी तो वहाँ ईवी मोड में आपको अच्छा माइलेज दे सकती है और साथ ही साथ हाईवे में थोड़ा सा कम रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा कम जो है इतना नहीं रहने वाला है। इसके बाद जो है स्क्रीन की अगर मैं बात करता हूँ तो स्क्रीन जो आप देख रहे हैं ठीक लगी यहाँ पर अगर देखा जाए, सेटिंग टच रिस्पॉन्स भी यहाँ पे ठीक है। बैक कैमरे की एक बार क्वालिटी एक बार चेक करी जाए तो यहाँ से बैक पे जाएंगे तो यार थोड़ा सा धुंधला सा लग रहा है थोड़ा सा, और ये अच्छा हो सकता था। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेसली इसमें रहेगा, एप्पल कारप्ले वायरलेसली जो है अगर आप बेस वेरिएंट लेते हैं जेटा प्लस तो वहाँ नहीं मिलता है, वहाँ स्क्रीन भी जो है छोटी हो जाती है। ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पे आपको प्रॉपर दे दिया जाता है, सुजुकी कनेक्टेड के फीचर्स ये सारे कुछ आपको जो है देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी यहाँ आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक AC प्रॉपर है, बाकी सेंटर में वही कॉपर शेड की थोड़ा सा फिनिश दे दी जाती है। बाकी ये रहता है इसका जो है ऑटो होल्ड, ऑटो पार्किंग, ड्राइव मोड्स यहाँ पे रहेंगे, EV मोड, ट्रैक्शन आपका व्यू पे आप पूरा 360 डिग्री जो है यहाँ पे व्यू ले सकते हैं। बाकी ये इसकी पोजीशनिंग भी सही लगी मेरे को, कई लोगों को ऑकवर्ड सी लग सकती है लेकिन यहाँ मेरे को सही देखने को मिल जा रही है। और यहाँ बीच में आपका जो है Type-C और USB पोर्ट चार्जिंग का यहाँ पर दे दिया जाता है। बाकी आर्मरेस्ट भी बड़ा ही स्टाइलिश सा, मतलब एकदम स्लाइड साइड से जो है खुलने वाला बहुत ही डेप्थ के साथ में आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। जैसे आप ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर भी वैनिटी मिरर है, यहाँ पर भी वैनिटी मिरर है। बाकी ये सनरूफ के सारे कंट्रोल आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि कुछ यहाँ ऐसे रहते हैं, SOS के साथ में ये सारा सिस्टम दिया जाता है। और एक बार जो है सनरूफ अगर आप ऊपर करते हैं तो काफ़ी बड़ी सनरूफ है, एकदम पैनोरामिक। यहाँ से जो है अब ऑफ कर देते हैं तो ऐसा जो है यहाँ पे सनरूफ का पूरा आपका जो है व्यू काफ़ी अच्छा खासा जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों मारुति की इनविक्टो हाइब्रिड ECVT ट्रांसमिशन के साथ में जो कि 23 का माइलेज जो है आपको यहाँ पर देती है, साथ ही साथ 21 का माइलेज इनोवा हाईक्रॉस में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ 45 kg का थोड़ा सा वेट आपको जो है ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। और पावर टू और टॉर्क टू वेट रेशियो वो थोड़ा सा जो है आपको अच्छा इसमें देखने को मिल सकता है,
बहुत ज्यादा तब पता लगेगा जब आप थोड़ा ज्यादा ही जो है गाड़ी एकदम ज्यादा चलाने के इंथुजियास्ट हैं, तो भी जो है आपको पता लग सकता है। बाकी थोड़ा सा सॉफ्ट टच जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी यहाँ पर आपको जो है देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी यहाँ रहता है काफी डेप्थ में अच्छा खासा स्पेस देने वाला यहाँ पे जो है ग्लव बॉक्स। तो ये रहता है दोस्तों यहाँ पर आपके सामने मारुति की ओर से आने वाली जो है दूसरी प्योर हाइब्रिड गाड़ी, क्योंकि पहली रहती है यहाँ पे जो है ग्रैंड विटारा। तो अब आप मेरे को बताएं क्या 2025 में डीजल का रिप्लेसमेंट एक हाइब्रिड गाड़ी जो है यहाँ पे हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो अगर आप ढूंढ रहे हैं वही एक कोई बड़ी गाड़ी, लगभग वही 30-35 लाख का बजट है, जिसमें आपको माइलेज अच्छा मिले, पावर अच्छी मिले, तो आप जो है इसकी ओर जो है एक बार जाने की जो है सोच सकते हैं। तो यही था आज का जो है वीडियो। वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो जरूर बताएं। मिलते हैं एक और ऐसे नई वीडियो के साथ में।